ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा 7th पॉइंट था और मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट था। अगर नहीं समझ में आया तो फिर वही एक ही लाइन जो मैं बोलता हूँ, डाउट पूछो। डाउट पूछने के लिए कोई तुम्हें मना नहीं है, जितनी बार पूछो मैं डाउट बताऊंगा, लेकिन बस डाउट को अपने पास मत रखो, जो भी नहीं समझ में आ रहा पूछ लो। ठीक है, तो ये सारी बात लिखी हुई है जो मैंने अभी इतना लिख के समझाया ना, वो यहाँ पे ये सारी बात लिखी हुई है। इसको तुम अब पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे। ठीक है, और ये हमारा 89 भी हो गया और ये हमारा हो गया 90 पेज, ये भी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 8th पॉइंट पर आ गए। 8th पॉइंट क्या बोल रहा है? 8th पॉइंट बोल रहा है कि रो अ ब्रैकेट में लिया कॉलम ऑफ ए 3x3 ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, कैन बी ट्रीटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो रो है ना उसको तुम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट्स मान सकते हो। ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के जो कॉलम है ना, 3 कॉलम्स, उसको तुम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के कंपोनेंट मान सकते हो, रो को भी मान सकते हो, कॉलम को भी मान सकते हो। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा व्हेन दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। बोला है कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालो जब ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये मेथड नंबर वन ये लिख रहा हूँ। मेथड नंबर 1 क्या है कि हमें पता चल गया कि ये मैट्रिक्स को हमने ए बोल दिया, तो अगर ये मैट्रिक्स ए ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज हमने फिर निकाल लिया, ऑर्थोगोनल का कंडीशन लगा दिया, तो ये हमें 2 मैट्रिक्स मिल गया। इसको जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया, इसको कर लेना मल्टीप्लाई, तो ये किसके इक्वल हो गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। अब क्या किया हमने, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दिया। तो देखो कितने ये बन रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन बन रहे हैं, एक तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया। दूसरा क्या हमारे पास बन रहा है कि ये 0 के इक्वल होगा, तो इसको 0 के इक्वल करो, या ये भी तो एक ही चीज़ लिखा हुआ है, इसको 0 के इक्वल करो या इसको 0 के इक्वल करो, बात तो बराबर ही होगा। वहाँ से भी क्या मिलेगा, यहाँ से जब माइनस कॉमन लेके चलो, मैं कर ही देता हूँ, कंफ्यूज होने तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसको देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, चलो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, रुको एक मिनट। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, 1 के, देखो ये वाला और ये वाला, ये तो 1 के इक्वल हो गया। उसके बाद एक दूसरा इक्वेशन क्या मिल रहा है, ये वाला, ये तो एक ही बात लिखी हुई है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, 0 के। इसको 0 के इक्वेट करो या इसको 0 के इक्वेट करो, एक ही रिजल्ट मिलेगा, देख लो। यहाँ से अगर मान लो कि मैंने माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को 0 से इक्वेट किया, तो यहाँ से ये क्या मिल जाए, माइनस कॉमन लेके भेज दूँ तो मैं क्या मिलेगा, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी एक इक्वेशन ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन ये मिल गया, तीसरा इक्वेशन ये मिल गया, ठीक है, और एक चौथा इक्वेशन हमें क्या मिल गया, 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये 1 के इक्वल मिल गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमें क्या निकालना है, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से 1 से, अच्छा एक काम किया, 1 और 2 को ऐड कर दिया, 1 प्लस 2 कर दिया, तो 1 प्लस 2 कर दिया, तो बीटा गामा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ से क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, अब अल्फा मिल गया हमें, और यहाँ से क्या किया, इसको मान लो 4 इक्वेशन बोल दिया, 3 प्लस 4 कर दिया, 3 प्लस 4 करेंगे तो गामा कैंसिल हो जाएगा, तो 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, अल्फा मिल गया बीटा मिल गया। ठीक है, अब अल्फा मिल गया बीटा मिल गया तो गामा भी मिल जाएगा, 1 में डाल दो अल्फा बीटा का वैल्यू, तो अल्फा स्क्वायर क्या हमारे पास 1/2, और प्लस बीटा स्क्वायर क्या 1/6, प्लस गामा स्क्वायर क्या है, गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से गामा स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/6,
ठीक है ना। तो गामा स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस ये क्या होगा थ्री, टू थ्री जा प्लस वन बाई सिक्स, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, वन माइनस फोर बाई सिक्स, वन माइनस टू बाई थ्री, थ्री माइनस टू वन बाई थ्री, गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट थ्री। ठीक है, आई होप कैलकुलेशन मैंने सही किया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, ये हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पूछ रहा था, बोला था डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा व्हेन दिस इज ऑर्थोगोनल। तो हमने क्या कर लिया, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो ये था हमारा मेथड नंबर वन। ठीक है, तो हमने निकाल लिया यहाँ पे, देख लो ये आंसर, ये आंसर और ये आंसर, ठीक है, मैच भी कर गया। अच्छा, इसका मेथड नंबर टू मैंने थोड़ा आगे डिस्कस किया यहाँ पे, मुझे फिर एक दूसरा मेथड थोड़ा शॉर्टकट लगा तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ये देखो दूसरे पेज में किया है, उसको मैं बता दे रहा हूँ मेथड नंबर टू क्या है। मेथड नंबर टू क्या है, इसको तुम ऐसे देखो, मेथड नंबर टू जो शॉर्टकट है इसी क्वेश्चन का सेकेंड मेथड, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देखो।